मंदिर के इनविटेशन कार्ड में ऐसा खास कि देखते ही हो जाएंगे आप मंत्रमुग्ध। क्यों है ये निमंत्रण कार्ड इतना अद्भुत? आखिर क्या है रामलला के इनविटेशन कार्ड के अंदर? कैसे रामलला के आशीर्वाद से भरा है ये निमंत्रण पत्र? आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। कुछ ही दिनों में होने जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, और इसी के चलते आई है एक और बड़ी खबर। दरअसल इस समारोह के लिए भेजा जा रहा इनविटेशन कार्ड इस समय चर्चा में बना हुआ है। ये कोई साधारण निमंत्रण पत्र नहीं है, और हो भी क्यों, आखिर हम बात कर रहे हैं देश के सबसे ऐतिहासिक मंदिरों में से एक की। खबरों की माने तो इसमें बुकलेट्स, सजे हुए कागज और श्रीराम का चित्रण भी शामिल है। मंदिर का इतिहास बताने के साथ साथ ये इस पहल में योगदान करने वालों का शुक्रिया भी करता है, और सभी मेहमानों को 12:20 पर होने जा रहे समारोह के लिए 11 तक पहुंचने का आग्रह भी करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये समारोह एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से जरूरी इवेंट होने वाला है। इसमें आपको मिलेंगी ये चीजें। इनविटेशन कार्ड में राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े इतिहास के बारे में बताया जाएगा, जिससे मेहमानों को उसके बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में पता चल पाए। इस निमंत्रण पत्र में कई एलिमेंट्स होंगे, जैसे सजे हुए कागज, बुकलेट्स और भगवान राम की फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन। राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देने वाले मुख्य लोगों की रूपरेखा भी इसमें शामिल है, जिससे उनके योगदान को सराहा भी गया है। अयोध्या के भव्य मंदिर की फोटो के साथ साथ गोल्डन चक्र भी इस इनविटेशन कार्ड में रखा गया है। इसमें मंदिर की यात्रा में विश्व हिंदू परिषद का रोल और उसके महत्व के बारे में भी बताया गया है। इनविटेशन कार्ड के साथ साथ एक अलग बुकलेट भी मेहमानों को दी जाएगी, जो राम मंदिर के निर्माण के सफर से जुड़े अहम लोगों की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी। इसमें ओमकार भावे, देवकी नंदन अग्रवाल, महंत अवैद्यनाथ, बाला साहेब देवरस और विजया राजे सिंधिया जैसे कई नामों की फोटोज और उनके बारे में ब्रीफ डिटेल्स होंगी। पहले की गई एक घोषणा के अनुसार सब मेहमानों को एक खास गिफ्ट दिया जाएगा। दरअसल मंदिर की नींव रखने के दौरान जो मिट्टी निकली थी, उसे छोटे छोटे डब्बों में पैक करा के मेहमानों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनवाइटीज को एक तुलसी की पत्ती और देसी घी के साथ 100 ग्राम मोतीचूर के लड्डू भी दिए जाएंगे। सेरेमनी कार्ड के अंदर बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टेंपल ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी शामिल होंगे। नए लेकिन वास्तविक भव्य मंदिर रूपी घर में रामलला की वापसी, इस नाम से रखा गया ये समारोह एक बेहद गहरा आध्यात्मिक प्रभाव रखता है। जितना शानदार ये कार्यक्रम है, उतना ही शानदार इसका निमंत्रण पत्र है, जो अभी से अपने खास डिजाइन और खूबसूरत टेक्सचर के लिए सुर्खियों में है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बताना ना भूले हमें कमेंट सेक्शन में, और बने रहें इंस्टाफीड के साथ।